ब्रह्मांड आखिर कितना बड़ा है? एस्ट्रोनॉमी में पूछा गया अब तक का सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्योंकि ब्रह्मांड की दुनिया इतनी विशाल व इतनी अनोखी है कि अगर आप एक बार ब्रह्मांड की दुनिया में एंटर करोगे तो आपको ऐसी ऐसी हैरतअंगेज चीजें दिखाई देंगी जो आपका दिमाग चकरा देंगी। हम मानवों ने समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी की मदद से ब्रह्मांड को बहुत ही दूर दूर तक देखा है, लेकिन हम मानव शुरू से ही ये मानते आए हैं कि ब्रह्मांड उतना ही बड़ा है जितना हमें दिखाई देता है। वेल, ऐसा नहीं है। अगर हम एक्चुअल में हमारी पृथ्वी से बाहर जाकर ब्रह्मांड की दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे तो हमें तभी पता लग पाएगा कि ब्रह्मांड की दुनिया आखिर कितनी बड़ी है। और आज की वीडियो में हम चलेंगे ब्रह्मांड के इस अद्भुत सफर पर, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे हमारे सौर मंडल को और उसके बाहर इंटरस्टेलर को और पूरी गैलेक्सी और वह पूरे ब्रह्मांड को। तो मेरा नाम है गौरव, चलिए शुरू करते हैं ब्रह्मांड टीवी के आज के इस नए वीडियो को। दोस्तों, ब्रह्मांड को सिंपल वर्ड में समझा जाए तो ब्रह्मांड अनंत है, जिसका अभी तक हमें एंड नहीं मिला है। इनफैक्ट ब्रह्मांड हर सेकंड बढ़ता जा रहा है, और आज हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के बावजूद भी हम ब्रह्मांड में ज्यादा दूर तक नहीं जा पाए हैं, और हमारे पास इतने एडवांस स्पेसक्राफ्ट भी नहीं है जो लाइट की स्पीड को टच कर सके। अगर हमें ब्रह्मांड का सफर करना है तो हमें लगभग लाइट की स्पीड पर ट्रैवल करने वाले स्पेसक्राफ्ट चाहिए होंगे। पर दोस्तों, इतनी स्पीड के बावजूद भी हमें करोड़ों साल लगेंगे ब्रह्मांड की दुनिया को खोजने में। अगर हम ब्रह्मांड के सफर की शुरुआत करें तो पृथ्वी की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई से ही अंतरिक्ष की शुरुआत हो जाती है, जहां हमें पृथ्वी कुछ इस तरह दिखाई देती है, नीली, गोल व सुंदर, जहां जीवन मौजूद है। अंतरिक्ष के सफर में सबसे पहले हमारे सामने आता है पृथ्वी का एकमात्र चांद, जो पृथ्वी से 384,000 किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी को ऑर्बिट कर रहा है, जो बेहद ही खूबसूरत और चमकता हुआ दिखाई देता है। अगर हम सफर करते हुए चांद के करीब जाए तो हमें चांद की सतह पर ये बड़े बड़े गड्ढे दिखाई देंगे। ये असल में अरबों साल पहले मीटियोर और एस्ट्रॉइड के टकराने से बने थे। चांद पर कोई भी वातावरण नहीं है तो ये गड्ढे तब से लेकर अब तक ऐसे के ऐसे ही हैं। इवन 1969 में चांद की सतह पर सबसे पहले कदम रखने वाले अमेरिकी एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग के भी कदमों के निशान आज भी वैसे के वैसे ही हैं। सफर में आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने आता है वीनस, जो पृथ्वी से 16 करोड़ 77 लाख किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। वीनस को पृथ्वी की ट्विन सिस्टर भी कहा जाता है, लेकिन अगर हम वीनस के करीबी से गुजरते हैं तो हमें वीनस का मोटा वायुमंडल दिखाई देगा, जो पूरी तरह कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है। यहाँ वातावरण इतना गर्म है कि दिन में यहाँ 475 डिग्री तक चला जाता है। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि वीनस की सतह पर हमारा क्या हाल होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले ग्रह की ओर, जो है मर्क्यूरी, हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह। मर्क्यूरी सूरज के पास का सबसे नजदीकी ग्रह है, जो आकार में पृथ्वी का एक तिहाई है, जो पास से देखने पर चांद के जैसा ही दिखाई देता है, जहां बड़े बड़े गड्ढे दिखाई देते हैं। अगर आप अपने स्पेसक्राफ्ट से मर्क्यूरी को अंतरिक्ष से एक पॉइंट से देखोगे तो वह आपके सामने से बहुत ही जल्दी घूमता हुआ निकल जाएगा, क्योंकि अपने छोटे आकार के कारण वह बहुत ही तेजी से सूरज को ऑर्बिट करता है, और सूरज के इतने नजदीक होने के कारण मर्क्यूरी का वातावरण 450 डिग्री तक चला जाता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मर्क्यूरी कितना खतरनाक ग्रह है। सफर में आगे बढ़ते हैं और आते हैं अपने अगले ग्रह की ओर, जो है मार्स। अगर हम अंतरिक्ष का सफर करते हुए आगे बढ़ेंगे और मार्स को देखेंगे तो वह कुछ इस तरह दिखाई देगा, और ये ग्रह हमें आसानी से पृथ्वी से भी दिखाई देता है, जो लाल रंग के तारे की तरह दिखाई देता है। अगर हम मार्स के करीब जाते हैं तो हमें मार्स के दो चंद्रमा भी दिखाई देंगे, पहला है फोबोस और दूसरा है डीमोस। दरअसल वैज्ञानिकों का मानना है कि मार्स के दोनों चांद असल में विशाल एस्ट्रॉइड थे, जो मार्स से करोड़ों सालों पहले टकराए थे, और तब से लेकर आज तक वे चांद बनकर मार्स के चक्कर लगाते आ रहे हैं। अगर हम अपने सफर को आगे बढ़ाएं तो मार्स के करीब जाने पर हमें मार्स की सतह कुछ इस तरह दिखाई देगी, जो किसी रेगिस्तान से कम नहीं लगती। नासा ने पहले ही कई सारे रोवर्स को पानी और वह जीवन के सबूतों की खोज में मार्स की सतह पर भेजा हुआ है, और अगर आप इस जगह को ध्यान से देखोगे तो ये है ओलंपस मोन्स, जिसे हम मार्स का माउंट एवरेस्ट भी कह सकते हैं, लेकिन ये माउंट एवरेस्ट से 2.5 गुना ज्यादा बड़ा और लंबा भी है। मार्स की ऐसी दशा आज से करीब 4 अरब साल पहले हुई थी, जब मार्स ने अपना पूरा वातावरण खो दिया था, इसलिए इस ग्रह पर लैंड करना हमारे लिए सेफ बिल्कुल नहीं होगा। दोस्तों, अब बढ़ते हैं सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह की ओर, जो है जुपिटर। लेकिन दोस्तों, जुपिटर तक पहुंचना इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे सफर में आएगी सबसे बड़ी चुनौती, जो है एस्ट्रॉइड बेल्ट की, जिसमें करोड़ों चट्टाने घूम रही हैं। कई तो अंडाकार आकार में हैं, और इन्हीं में छुपा है एक बोना ग्रह भी,
जो है सीरीज, ये पूरी तरह गोलाकार का है और एक ग्रह जैसा है। इन सभी से बच बचा कर अब हम पहुंचते हैं हमारे जुपिटर के पास। दोस्तों ये नज़ारा बेहद ही अद्भुत होगा क्योंकि जुपिटर सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है जिसमें हमारी 1300 पृथ्वी आसानी से समा सकती है। अगर आप सफर करते हुए जुपिटर के पास जाते जाओगे तो आपको दिखाई देगा कि जुपिटर पूरी तरह गैसों के बादलों से घिरा हुआ है। जुपिटर के पास कोई भी सॉलिड सरफेस नहीं है। अगर जुपिटर के चंद्रमाओं की बात करें तो जुपिटर के पास कुल 89 चंद्रमा है जिसमें 4 प्रमुख आयो, यूरोपा, कैलिस्टो और गैनीमेड है। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले ग्रह की ओर जो है सैटर्न। दोस्तों ये बेहद ही खूबसूरत रिंग वाला ग्रह है और पूरे सौर मंडल में अकेला सबसे बड़ी रिंग वाला ग्रह है। ये भी एक गैस जाइंट है जिसके पास कोई भी सॉलिड सरफेस नहीं है। सैटर्न के करीब जाने पर हमें पता लगता है कि सैटर्न के रिंग से लगातार चट्टानें सैटर्न में जाकर खत्म हो रही हैं और वैज्ञानिकों का भी मानना है कि 30 करोड़ सालों बाद सैटर्न के पास कोई भी रिंग नहीं रहेगी। चंद्रमाओं की बात करें तो दोस्तों सैटर्न के पास पूरे सौर मंडल में सबसे ज्यादा चंद्रमा मौजूद है और ये सभी सैटर्न का चक्कर लगा रहे हैं और इन्हीं सब में सबसे फेमस है टाइटन जिसे आप सफर में आसानी से देख सकते हैं। बिना समय लगाए आगे बढ़ते हैं और अब हमारे सामने आता है यूरेनस जो कि एक आइस जायंट है। मतलब यूरेनस के पास भी कोई सॉलिड सरफेस नहीं है बल्कि आइस जायंट होने के कारण यहाँ बर्फीला वातावरण है जो लगभग 250 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। इसलिए यूरेनस सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। चंद्रमाओं की बात करें तो यूरेनस के पास कुल 27 चंद्रमा है और दोस्तों अगर आप यूरेनस के काफी पास जाओगे तो आपको इसकी हल्की रिंग भी दिखाई देंगी। और अब बढ़ते हैं हमारे सौर मंडल के सबसे आखिरी ग्रह की ओर जो है नेपच्यून। दोस्तों ये नीला ग्रह एक आइस जायंट है जिसके पास कोई सॉलिड सरफेस नहीं है। सौर मंडल का ये ग्रह सबसे छोटा गैस जायंट है जिसे केवल एक ही बार करीबी से वॉयेजर 2 के द्वारा देखा गया था। अगर आप नेपच्यून के पास से होते हुए गुजरेंगे तो यहाँ आपको पता लगेगा कि इस ग्रह पर सबसे ज्यादा आंधियां चलती हैं। जो सौर मंडल का कोई भी ग्रह नेपच्यून की आंधियों की रफ्तार का मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों नेपच्यून का वातावरण काफी हद तक हमारी पृथ्वी जैसा ही है। लेकिन आप यहाँ उतरने की बिल्कुल भी मत सोचना क्योंकि यहाँ पे कोई भी सॉलिड सरफेस नहीं है, इसलिए यहाँ से आगे बढ़ना ही हमारे लिए ठीक रहेगा। अगर आपने गौर किया होगा तो दोस्तों हम सौर मंडल के आखिरी छोर तक पहुंच चुके हैं और आगे की जर्नी बहुत ही रोमांच से भरी होगी, तो उसके बारे में बात करेंगे हम अगली वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही गाइस। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए ब्रह्मांड टीवी को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।